कल सुकमा जिले के टेकुलगुड़ा के आसपास हमारे जवानों के ऊपर नक्सलियों का अचानक हमला हुआ, गोलीबारी हुई और हमारे जवान भी मजबूती के साथ उनके साथ लड़ाई लड़े, फिर भी हमारे तीन जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो हम तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और 14 जवान घायल हुए, जिसमें से जो ज्यादा इंजर्ड थे 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया और रायपुर के दोनों अस्पताल बालाजी और नारायणा उसमें 4-4 हमारे घायल जवान एडमिट हैं, जिनको हम कल रात को ही देखने गए थे, उनसे मुलाकात किए, हमारे गृह मंत्री जी भी थे और सभी सुरक्षित हैं, मतलब खतरे से बाहर हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये जब से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुआ है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है, इसलिए कायराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी निराश नहीं हैं, कल मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा।